हेलीकॉप्टर आते रहे। जो तामीर और तरक्की हमारी हुकूमत ने हमारे हम सब के कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने शुरू की थी, जिसको आगे हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब देखते थे, फजरवा में मोहम्मद शरीफ मियां साहब देखते थे, उसमें इन्होंने बैरियर लगा के बिल्कुल बंद कर दिया। जितनी भी स्कीमें हमारे वक्त में चलती थी उन स्कीमों को बंद कर दिया। जो पैसा मरकज में हमारी हुकूमत गरीबों के लिए भेज रही थी, वो पैसा इन्होंने अमीरों के लिए भेजा। शायद जब यहाँ पे 2014 में भी यहाँ लोकसभा लेवल पे करते थे, उनका एक वादा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देने तो दूर। जिन नौजवानों को हमारे वक्त में रोजगार दिया गया था, पढ़े लिखे नौजवानों को, उनका भी रोजगार छीन लिया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत अगर कोई है तो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नौजवानों को, जिनको 20% रोजगार जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का हिस्सा दिया जाता था, वो हमारे बच्चों को मिलता था बड़े बड़े ठेकेदार। और कहा गया कि ये सारा का सारा पैसा बड़े बड़े सरमायादारों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। क्या इस चीज के लिए हमने अपनी हुकूमत को बनाया था? क्या इस चीज को बताओ, मोहतरम अब्दुल मजीद वानी साहब के हुक्म के मुताबिक मैं अपने चंगा ब्लॉक से इलेक्शन लड़ा हूं, और मैं आपको बता दूं हम भारी अक्सरियत से वहां से जीत रहे हैं। और मैं आपको एक बार खुशखबरी सुनाऊं, जो जहर बीजेपी ने फैलाया था, जो वहां पे फैलाते हैं वो यहां पे भी फैलाते हैं। मेरी चंगा ब्लॉक में जो हिंदू और मुसलमान भाइयों का रेशियो है वो 60-40 का था, 60% मुसलमान भाई थे, 40% हिंदू भाई थे। तो जो हमारा यहाँ पे XML था उसको भी इलेक्शन लड़ना था, इसलिए उसने क्या करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके 4 हिंदू पंचायतों को उसके साथ जोड़ दिया। उनको लगा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, मगर मैंने उनका खैर मकदम किया। मैंने कहा ये भी हमारे लोग हैं, इन्होंने आज तक हमें वोट दिया है, किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, मगर हम इन पे भरोसा नहीं करें तो ये गलत बात होगी। और जब इलेक्शन हुआ उन पंचायतों से, जिन पंचायतों में 100% हिंदू आबादी है, वहां पे 80% वोट मुझे मिला। और मैं आपको बताऊं, हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की तरह नहीं है। जब यहाँ पे अलायंस की बात हुई, गुप्कार अलायंस के साथ हम जुड़े, कांग्रेस के गवाह हमारे मजीद वानी साहब है, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, ये हमारे सीनियर लीडरों के साथ रास्ते में थे। मगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी वालों को कहा गया कि अगर आप लोग बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा, करगिल में पीटीपी और बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, क्या आप लोग ये जानते हैं? और जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम उस अलायंस कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा हमारे जज जो है ये अवाम है, हमारा फैसला अवाम का फैसला, ये अवाम खुद करेगी, हम किसी पार्टी के भरोसे में नहीं रहेंगे। और हमने हर जगह पे अपने दम पे इलेक्शन लड़ा। करगिल की बहुत दूर की बात है, जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वालों को पूछिए कि अगर आप एक तरफ से मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं और दूसरी तरफ से बीजेपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली जुली हुकूमत कैसी है? फतुहा में नेशनल चेयरमैन है और उसके साथ 3 बीजेपी के कॉन्सर्ट। इनकी जबान पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात नदीम शरीफ यहाँ बाल में करेगा, जो बात भले समय करेगा, वही दिल्ली और कश्मीर में भी करेगा। मगर ये जो हमारे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, इन्होंने इस सियासत को तिजारत बना के रखा। अगर इनको आवाम के साथ हमदर्दी होती ना, ये मुसलमान के नाम पे वोट लेते ना हिंदुओं के नाम पे वोट लेते, क्योंकि मजहब को हम करेंगे जब ये रोकेंगे फिर देखेंगे। इलेक्शन है ना तो सरकार का इलेक्शन बोलते जाएंगे जब ये रोकेंगे फिर देखेंगे। अवाम को रोटी कपड़ा और मकान कौन देगा?
कौन भाईचारा, भाईचारा हमारा जो सदियों का भाईचारा है उसको बढ़ाएगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है 16 तारीख को, उसके बाद एक और इलेक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन का, उसके लिए मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में अक्सरियत आती है तो आपका अपना बेटा नदीम शरीफ न्याज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। बीजेपी वालों का मानना है कि अगर उनका उनकी अक्सरियत आएगी तो उनका चेयरमैन कैंडिडेट होगा शक्तिराज परिहार, एक्स मिनिस्टर डोडा के। आप खुद समझ लीजिए, एक मिनिस्टर हो गया अगर कोई ब्लॉक का इलेक्शन लड़ेगा तो उनका क्या मयार है। मगर मैं आपको बता दूं, जिस कैंडिडेट को बीजेपी वालों ने खड़ा किया है उसको हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब ने अपने ही बूथ पे हरा दिया है। वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शायद अपना जो ब्लॉक का इलेक्शन जीत पाएगा। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वोट आप 16 तारीख को जो डालेंगे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के लिए होगा। अगर आपका वोट ललिता देवी जी को जाएगा वो आप समझ लीजिए वो नदीम शरीफ न्याज के खाते में आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर घूम रहे हैं, जरा इनको सवाल कीजिए, इनको पूछे कि नदीम शरीफ न्याज कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से शक्ति परिहार है, आपका कौन है? उनका कोई नहीं है। अगर उनका कोई नहीं है तो फिर वो उठे क्यों हैं? और अगर उठे हैं तो वो किसका वोट काटेंगे और फायदा किसको होगा ये आप सबको मालूम।